मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग आपको समझ में आ चुका होगा टाइटल पढ़ के कि हम कर रहे हैं इंडिया जाने की तैयारी। ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद हम इंडिया जा रहे हैं और घर वालों से मिल रहे हैं। तो इंडिया में है मेरे भाई की शादी, तो हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सभी लोग शादी में मिलेंगे, सबसे काफ़ी टाइम के बाद मिलना होगा। और अद्वय तो इंडिया जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो इंडिया से वापस नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इंडिया में बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ इंडिया से जब हम यूके आए थे तब कोविड सिचुएशन थी और स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो उसका बोलना है कि इंडिया में बेबी लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि इंडिया जाके उसको भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा अगर वो इंडिया में रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और अभी मैं आज करने वाली हूँ पैकिंग और कुछ चीज़ें लेने के लिए अभी बाहर भी जाऊंगी, घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने हैं। तो आज मेरा फुल डे इसी में बिजी होने वाला है। तो आज मैं आपको अपने साथ दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ इंडिया जाने की तैयारी। 3 बड़े बैग लगेज बैग हम लेके जा रहे हैं अपने साथ, सबका एक एक बैग है। और केबिन बैग हम एक ही रख रहे हैं क्योंकि अद्वय हमारे साथ होगा तो हमें उसे भी संभालना होगा। तो एक केबिन बैग रख रहे हैं और बाकी ये 3 लगेज बैग हैं, इनको हम पैक करेंगे अभी। पैकिंग है वो अभी चल रही है और थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, जो कुछ सामान लाना है घर वालों के लिए, कुछ गिफ्ट वगैरह हैं, हमारे लिए कुछ कपड़े हैं, तो हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने और फिर उसके बाद हम अपनी पैकिंग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारा सामान है पैक करने के लिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं बाहर और फिर उसके बाद चलिए जल्दी बंद करो टीवी, हो गया जल्दी चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट। यस चलो जल्दी आओ। सब हम लोग सब रेडी हो गए थे, अचानक से काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और अगर बारिश बंद होगी तो आज जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे का प्लान करेंगे। तो मौसम खुल चुका था और हम लोग निकल चुके हैं शॉप के लिए और वहाँ जाके फटाफट हम करेंगे अपनी शॉपिंग कंप्लीट, क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर सही नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है फिर रुक रही है, तो देखते हैं वहाँ जाके कितने काम होते हैं। तो चलते हैं शॉप। नो हेयर कट्स ओनली शॉपिंग। आपका पूरा हेयर कट जीरो करा देना आज, नहीं आप बहुत नाइस लगोगे जब जीरो हेयर कट हो जाएगा। तो फिर किधर जा रहे हो आप? तो सबसे पहले आ गए हैं हम हेयर कट की शॉप में। अद्वय के बाल बहुत बड़े हो गए थे तो हमने सोचा है कि जाने से पहले अद्वय का हेयर कट करवा लें। तो अद्वय यहाँ पे आके बैठ चुका है और वो विदाउट मोबाइल अपना हेयर कट नहीं करवाता है, तो उसको फ़ोन दे दिया गया है और वो कंटिन्यूसली फ़ोन में बिज़ी है और यहाँ पे उसका हेयर कट चल रहा है। Open the door. Hey, come on. Adve, show. You are looking handsome, Adve. कैसा लग रहा है आपको आपका हेयर कट? Wait. So यहाँ पे अद्वय का कट हो चुका है और अद्वय काफी अच्छा लग रहा है अपने हेयर कट में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर और घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, तो वही सोच रहे हैं क्या लेके जाया जाए। तो हमें ऐसा लगा कि विंटर की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है, आजकल तो हर जगह सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं, पर हमें यही ऑप्शन सही लगा, तो हमने कुछ जैकेट्स वगैरह बाय किए हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैंने एक ड्रेस चूज़ की है अद्वय के लिए वेडिंग के हिसाब से, तो यहाँ ट्रायल रूम में मैं उसे ट्राई करा रही हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ ये अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें एक सनग्लास चाहिए था तो वो यहाँ से पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे अभी हमारी शॉपिंग यहाँ कंटिन्यू रहेगी। शॉपिंग के बीच में हम लोगों को लग गई काफ़ी ज़ोरों से भूख, तो हम अभी जा रहे हैं मैकडी, वहाँ पे पहले जाके कुछ खाएंगे पियेंगे फिर उसके बाद हम अपनी शॉपिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग का मील आ चुका है और अद्वे को डोनट काफ़ी पसंद है, तो अद्वे के लिए डोनट ऑर्डर हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे वेजी रैप लिया है। देखो आपका ये पार्सल आ गया है। ये मेरा है क्या? Yes, 147. Is that 6 years? 6 years, yes. 6 PM. क्या है इसमें? मुझे नहीं पता क्या है। Let's see क्या है इसके अंदर। Is that my shoes? That my shoes? Come on. Whoa. तो अद्वे के लिए ये शूज़ हमने ऑर्डर किया था, जो कि सुबह सुबह आ गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं शूज़, और अद्वे को ऐसा कुछ चाहिए भी था तो उसी ने ये चूज़ किया है। तो ये शूज़ है अद्वे के। इंडिया जाने की तैयारी चालू हो चुकी है। अद्वे अपना बैग सेट कर रहा है और जो मैंने सामान मार्केट से लेके आया है, जो भी कपड़े वगैरह हैं या गिफ्ट आइटम है, वो मैंने अभी यहाँ साइड में रखा हुआ है। और ये दो बैग जाने वाले हैं, तो ये बैग ऑलमोस्ट रेडी है, ये वाला भी करना है। और यहाँ पे अद्वे की पैकिंग चल रही है। अद्वे अपने बैग खुद से सेट कर रहे हैं और उसने बैग रेडी कर लिया अपना। अद्वे अभी रेडी नहीं है। अभी रेडी नहीं है? हाँ। आपको और बैग रेडी करना है? हाँ। ओके, तो अभी क्या है आपके बैग में, मुझे दिखाओगे? तो मेरे पास कपड़े से इधर इधर आपने कपड़े रखे पूरे सारे? हाँ, वेरी गुड। एंड तो चलने पड़े यार, कार्ड का सीक्रेट बजट। दिस इज फॉर अना, दिस इज फॉर अना, दिस कप इज फॉर अना, दैट वन कप इज फॉर अना, this one cup is for Anna, this car, and this one for me, this is a challenge cup. ye kyon leke ja rahe ho Advay aap India? kyunki main khasal nahi kar sakta. to India mein aapko ye mil jayega, nani ko bol denge, nani will buy for you. main ab aapke paas 100 hai to aap apna leke jaoge? ha. aur so ye main bag leke aayi hu, ek isme 3 bag hai, काफी क्यूट सा बैग दिखा मुझे, तो इसमें मैं करूंगी जो भी शॉपिंग से सामान आए उन चीज़ों की इसके इन बैग के अंदर पैकिंग, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी। तो ये है वो क्यूट से बैग पैक है अभी। तो ये 3 बैग मिल गए मुझे डिफरेंट साइज के, 1, 2 और ये 1, 3 बैग। तो इसमें करती हूँ मैं सामान की पैकिंग। तो ये मैं लेके आई हूँ, समय का टाइम है तो काफ़ी सारे फेस सीट लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है ये। और ये कुछ एक मास्क लेके आई हूँ मैं, और मैं रख रही हूँ इस बैग में ये मेरा काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन प्रोटेक्टर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं बार बार क्या ही बोलूँ। तो ये है मेरा शैम्पू और कंडीशनर, इसको मैं रख लेती हूँ। और ये है बॉडी, क्या ये सनस्क्रीन लोशन बॉडी के लिए, और ये अद्वे के लिए सनस्क्रीन लोशन। और मैं ये अद्वे का शैम्पू, और ये है बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन। और एक मैं रख रही हूँ साथ में, ये है एक बॉडी वॉश। ये बैग हो चुका है रेडी, इसमें सारी एसेंशियल चीज़ें मैंने रख ली हैं इस बैग में, तो इसको रखती हूँ मैं अभी बैग के अंदर। तो ऐसे ही मैंने कुछ गिफ्ट बैग ले लिए हैं गिफ्ट्स रखने के लिए, तो इसको मैं रख देती हूँ ये बैग में। यहाँ पे बैग पूरा हो चुका है फुल, और इस बैग को कर दिया जाएगा अब बंद। कर दो वेट बंद। यहाँ पर ये ऐसी चाय मिली है जो कि काफ़ी ईजी है बनाने में, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसे जस्ट कुछ स्पून जो चाय पाउडर है ये डालना पड़ता है, और हॉट वाटर डालना पड़ता है, और आपकी चाय रेडी हो जाती है। तो हम ये लेके जा रहे हैं, घर वालों को टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हमें ये काफ़ी पसंद आई है, बहुत ईजीली बन जाती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक ये चीज़ है जो कि हम इंडिया लेके जाने वाले हैं।
और अभी पैकिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और इसी प्रकार से हमारी पैकिंग अभी चलती जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।